आज ही एक्चुअली हमने कोइंसिडेंटली एक रील डाला है जो मिनियन के ऊपर ही बेस्ड था। मैं इसको एक्चुअली ये मिनियन की बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी, मतलब मैंने मिनियन की सारी मूवीज देखी है और जब मुझे पता चला कि आज स्क्रीनिंग है तो सबसे पहले आखिरी भी थे और या कैन यू सी द एक्साइटमेंट इस पार्ट में क्या देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड ग्रू द राइज ऑफ राइज ऑफ ग्रू राइज ऑफ ग्रू बिकॉज ग्रू द विलन ना जो जैसे बना है जो फर्स्ट हमारा वाला मूवी आया था उसके बाद भी उसका सारा चाइल्डहुड कैसे वो कैसे विलन बना है तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड ऑब्वियसली मिनियंस मैंने अपनी बहन के साथ देखे थे, मैंने पूरे पूरे नहीं देखे लेकिन आई यूज टू वॉच, माई सिस्टर इज ऑल्सो बिग फैन मिनियंस की, तो मैंने मेरी बहन के साथ वो आई थिंक एक दो एक एक आध पार्ट मैंने ऐसे देखा था, सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ वो मिनियन पैपल बनाना वो एक दो बपोए दो तीन वर्ड्स है जो मुझे याद है और इसके साथ रहकर तो मुझे अभी समझ में आ गया, बट आई एम नॉट एक्साइटेड क्योंकि ये इतनी एक्साइटेड है, मैं भी जरा जाके देखूं, मैं एक्चुअली छोटा बच्चा बनने वाला हूं ये पिक्चर देखते हुए। मिनियन ग्लासेस नहीं है, हम जैसे बड़े बूढ़े, मैं तो खैर अभी बच्चा ही हूं, अभी हैं सर दिल में, हम सब दिल से अभी बच्चे हैं और आई थिंक इसीलिए हम सब आए हैं ऐसी कमाल की फिल्म देखने। मुझे याद है मैंने पहली मिनियंस देखी और मुझे मन हुआ कि सेकेंड मिनियंस कब आएगी, सो आई लव द फर्स्ट पार्ट और आई थिंक स्पेशली यू नो दीज कैरेक्टर्स लाइक बॉब केविन स्टुअर्ट टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई थिंक एंड आई थिंक उनकी जो वॉइसेस हैं एंड आई थिंक इट्स जस्ट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई थिंक बच्चों के लिए नहीं, आई थिंक हम सबके लिए इट्स अमेजिंग। आई थिंक मिनियन इट्स फॉर ऑल एजेस लाइक आई सेड एंड आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म, सो आई एम होपिंग दैट इट विल बी एन अमेजिंग वॉच एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड एंड आई एंड हैप्पी टू बी हियर वॉचिंग मिनियंस विद ऑल यू पीपल। मैं शूट से निकल के आई हूँ, मैंने अपने शूट से अर्ली पैकअप मांगा है तो मेरे जो कोस्टार्स थे वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं मिनियंस देखने जा रही हूँ, उसका प्रीमियर हो रहा है, मेरी बेटी को देखना इसलिए जा रही हूँ, और सब ने मुझे देखा और कहा झूठ, आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप देखना चाहते हो, क्योंकि मैं दिन रात सेट पे हमेशा मिनियंस की ही बातें करती हूँ, आई लव द मिनियंस, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खुद। और जब हम सिंगापुर गए थे मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सल स्टूडियो में खास मिनियंस दिखाने के लिए मैं ले गई थी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अंदर मैंने दो दो देखे, सो आई एम गोइंग टू किडनैप देम एंड टेक देम विथ मी। लोगों को मिनियंस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं लेकिन मुझे ग्रू से बहुत फैसिनेशन है और ग्रू की जो बैक स्टोरी, खासतौर से जब वो बचपन में अजीब अजीब अलग अलग तरह की रॉकेट्स बनाता था, एंड माई मोस्ट फेवरेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम इन मिनियंस इज ग्रूज मम्मा, तो मैं होप कर रही हूँ कि वो भी होंगी और अगर उनका कोई लाइफ साइज कैरेक्टर मुझे यहाँ मिल जाए, आई थिंक व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी ग्रू की मम्मा। जहाँ तक मतलब मेरा सवाल है कि आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरा स्पेसिफिकली अभी तक सोचा नहीं है कि मैं क्या देखने वाला हूँ या क्या, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने मतलब ये मैंने देखना छोड़ा होगा, सो आई एम गोना बी स्टार्टेड अगेन एनिमेशन मूवीज वगैरह देखना, दैट्स व्हाई। या अभी कुछ आने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो बट आई डोंट वॉन्ट टू रियली बी रिवील अभी क्योंकि उसके पोस्टिंग वोस्टिंग में डाल के रिवील करना चाहूँगा, सो या स्टे ट्यून फॉर माई प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। इस पार्ट में जो यंग ग्रू यंग है जो इसमें दिखाया गया है वो पार्ट में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज उसकी जो उसने जो अपना विलेनिश रूप दिखाया है बाकी सारे पार्ट्स में वो पार्ट तो देखे मज़ा आया है बट उसका यंग क्या करता है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, मैं तो मतलब इन लोग का वेट करता हूँ कब ऐसी मूवीज़ आए और यू नो हम लोग को एक फन टाइम स्पेंड करने को मिले, एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर बॉब है, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, जितनी वो मस्ती करता है उतनी हम लोग भी रियल लाइफ में करते हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने तो स्टूडियो में देखा था ये फर्स्ट पार्ट क्योंकि जब रिलीज़ हुई थी जब मैं देख नहीं पाया था, लेकिन जब देखा उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा ये पार्ट, सो या थोड़े से कुछ सुना है मैंने उड़ती उड़ती खबरों में, लेकिन मैं आज देखना चाहूँगा कि कैसा उन लोगों ने शूट किया और क्या एग्जैक्टली स्टोरी है। बच्ची ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे एनिमेशन फिल्म देखे हुए,
सो उसे भी आइडिया नहीं था कि हम क्या फिल्म देखने आ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर आए और ये मिनियंस को देखा तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी और मिनियंस कह रही थी, उसी से आज मुझे मालूम पड़ा कि इसे मिनियंस भी पता है। नहीं तो हमारे टाइम पे तो हम सिर्फ टॉम एंड जेरी के आगे कभी बढ़े ही नहीं थे, या फिर इंडियन में क्या था अपना शक्तिमान, इससे ज़्यादा हम आगे कभी बढ़े ही नहीं। लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट यू नो एट द एज ऑफ शी इज़ नॉट इवन 3 नाउ, लेकिन उसे काफ़ी नॉलेज है इस सब के बारे में। कान पकड़ना इनकी बचपन से एक आदत है, ये कभी नहीं छोड़ती है, ये आप जब भी देखेंगे मेरे गोद में तो ये मेरा कान पकड़ती है। अभी जैसे अभी धीरे धीरे आदत निकालने के लिए अभी जैसे वो कान पकड़ती है तो मैं भी उसका कान पकड़ता, तो वो छोड़ेगी अभी क्या कान। एक्चुअली जब पहले मिनियंस आई थी तब मैंने नहीं देखी थी, बट मैंने इसके क्रेज़ के बारे में सुना और ये जब आई तो मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से उनको बनाया, सो इट्स फन। आई थिंक आई शुड वॉच आइसक्रीम खाना मैंने अभी ठंडी। अच्छा एक्चुअली मैंने तो सारे इसके अभी तक के पार्ट्स देखे हैं, आई लव दिस सीरीज, तो मुझे बहुत पसंद है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। एक्चुअली मेरी बहन मुझे मेरी बहन मिनियन बुलाती है, मुझे नहीं पता, सो मैंने कहा लेट्स सी, बट आगे क्रेजी दैट मीन ना, कि मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था एंड आई रियली लव द फर्स्ट पार्ट, इट वाज सो गुड, तो ऑब्वियसली आज मैं रुक नहीं पाई बिकॉज इट्स द सेकंड पार्ट। आई लव दोज मिनियंस, दे आर वेरी क्यूट। इस बार मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ एनिमेटेड फिल्म को लेके, बिकॉज द वर्ल्ड दे क्रिएट इट्स लिल एडवेंचरस, इट्स ड्रीम, सो आई रियली लाइक द वर्ल्ड दे क्रिएट इन एडवेंचर फिल्म्स, तो जो भी दिखाएंगे उसमें आई एल एन्जॉय बिकॉज आई रियली फाइंड द मिनियंस वेरी क्यूट एंड द वे दे आर लाइक बनाना। मैंने सब मिनियंस के सब फिल्म देखे हुए हैं, आई हैव सीन ऑल द मूवीज एंड आई वॉच ऑल, ज़्यादा करके बहुत सारे एनिमेशन फिल्म मैं देखता हूँ बच्चों के साथ, बच्चे ऑलरेडी अंदर आ गए हैं, हम शूट पे थे थोड़ा लेट हो गए पहुँचने में, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट एंड यू नो स्पेशली ग्रू जो कैरेक्टर है ही इज़ अमेजिंग और बहुत मज़ा आता है। मिनियंस आर वेरी वेल मेड मूवीज, सो आई रियली इन्जॉय watching all the Minions series. I've seen Minions, I love Minions, I've seen Despicable Me जब फर्स्ट आई थी एंड वहीं से मिनियंस बड़ा क्यूट सा जो कैरेक्टर है वो निकला एंड आई ऑल्सो लव इट, सो या आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई हैव सीन ऑल द मिनियंस एंड दिस वन इज द न्यू वन, सो आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट। वॉच मिनियंस, इससे पहले मैंने देखा नहीं है, आई हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड आई एम ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ एनिमेशन सीरीज, एनिमेटेड जितनी भी फिल्म बनती हैं, तो आई होप अच्छी हो, काफ़ी सुना है इसके बारे में, सो लेट्स सी। Minions, I think they're super cute, super positive, and I'm interested to watch what's happening in this new Minion film. So, अभी I think movie just start भी हो रही है और मैं late हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी भाग के देखना चाहता हूँ, and I think हर किसी को Minion पसंद है, everyone finds them very cute, so yes, I'm excited.